महिलाओं को रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मूल मार्ग पर स्वाधार महिला निवास गृह पर 30 महिलाओं को प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र को जिलाधिकारी ने भेंट दी। महिलाओं को रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहर के मूल मार्ग पर स्थित स्वाधार महिला निवास गृह में 30 महिलाओं को प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र को जिलाधिकारी ने भेंट देकर महिलाओं से चर्चा की। इस समय उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, तहसीलदार विजय पवार, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी दीपक बनाई, बाल संरक्षण अधिकारी अजय साकरकर, निवास गृह के प्रबंधक घनश्याम कामटकर, अधीक्षक शारदा चट्टे, समुपदेशिका शारदा वाघमारे, सिलाई प्रशिक्षिका बुरड़कर, जिला कौशल्य विकास समन्वयक मुकेश गुंजनकर आदि उपस्थित थे। बता दें कि शहर के कृष्णा नगर स्थित स्वाधार महिला गृह में 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण 3.5 माह का है। इस प्रशिक्षण से महिलाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी। इस भेंट दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्वाधार महिला गृहों में महिलाओं का नियमित पुनर्वास और प्रवेश जारी रखे। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि लाडली बहन योजना का भी सभी ने लाभ ले और शीघ्र आवेदन भरे। यदि दस्तावेजों की कमी है तो उसकी जांच करें और संबंधित दस्तावेज महिलाओं को उपलब्ध कराने की सूचना संबंधितों को दी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिकारी व कर्मचारी यहां की महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिलाने पर भी ध्यान दें।